कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम, ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास श्वास बाहर रहा है, दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास अनंत ऊर्जा लेकर अंदर प्रवेश कर रहा है ब्रह्मांड की ऊर्जा, उस परमात्मा की ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रही है और शरीर के रोम रोम में फैलती जा रही है। शरीर के रोम रोम में परमात्मा की ऊर्जा फैलती जा रही है। इस अनंत ऊर्जा का एहसास, ऊर्जा की तरंगों का एहसास अनंत ऊर्जा का एहसास, ऊर्जा की तरंगों का एहसास अनंत ऊर्जा की अनुभूति ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। ये ऊर्जा जिस भी रूप में अंदर प्रवेश कर रही है उसी रूप में इसको बढ़ने देना है।
एक गहरी शांति में गहरे आनंद में डूबते जाना है। गहरी शांति में गहरे आनंद में डूबते जाना है। डूबते जाना है इस अनंत ऊर्जा के साथ। अंत जगत में खोते जाना है। और स्वयं का साक्षी बनना है। स्वयं का साक्षी और इस अनंत जीवन में आगे बढ़ के जाना है। ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। किसी एक उद्देश्य की खोज में या कोई एक ही उद्देश्य हो तो जीवन निरस हो जाता है। और जीवन उद्देश्य विहीन है, इसीलिए यह असीम है, अनंत है। और इस अनंतहीन यात्रा में इस अनंत के साथ आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर केवल एक उद्देश्य होता तो उसके पाने के बाद क्या करते। चेतना सोचती है कि इस उद्देश्य को पालें, और जब पा लेते हैं तो हजारों अनंत उद्देश्य सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई भी शिखर अंतिम शिखर नहीं है। शिखर पर पहुंच कर और बहुत से शिखर प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा असीम है, अनंत है। ऐसे ही जीवन भी अनंत है, क्योंकि यह जीवन परमात्मा ने दिया है। यह परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा अनंत है, असीम है, तो ये जीवन भी अनंत और असीम ही है।
इसको सीमा में नहीं बांध सकते। परमात्मा का अंश परमात्मा के जैसा ही होगा। उसी की तरह अनंत और विशाल होगा। और परमात्मा के सारे गुण भी उसमें होना निश्चित है। जैसे आम के बीज से उसके अंश से जो भी फल बनता है वो मीठा ही होता है, और नीम से कड़वा ही फल होता है। जो मूल है उसके गुण आना स्वाभाविक है। तो उस परमात्मा के समस्त गुण इस चेतना में समाहित हैं। ये चेतना असीम है, अनंत है, और चेतना जीवन से जुड़ी है, इसलिए जीवन भी अंतहीन है। इसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये जीवन भी अनंत है, और इस अनंत में अनंत की यात्रा स्वयं के द्वारा स्वयं की यात्रा हम रेत में घर बनाते हैं, और हल्की सी हवा का झोंका घर कांपने लगता है, बिखरने लगता है। गिर जाता है, यह अहंकार ये विचार भी अनंत में प्रवेश नहीं करने देते। उस अनंत से भी डर लगता है, क्योंकि उस अनंत में जाने पर आनंद की अनुभूतियां होती हैं, शांति की अनुभूतियां होती हैं। परमात्मा के अनेक रूपों का दर्शन होता है। हम जिस इष्ट को पूजते हैं
उसके दर्शन होते हैं। लेकिन यह डर भी बना रहता है कहीं यह दर्शन गायब ना हो जाए। जो आनंद, जो शांति मिल रही है कहीं खो ना जाए। क्योंकि हमने नींव को मजबूत नहीं किया, हम मजबूत नहीं हुए, अंतर जगत में प्रवेश कर दिया। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हुए, पूर्ण समर्पण नहीं किया, उस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। वो अंतर जगत की ओर दौड़ने लगे तो नींव कमजोर थी और रेत में बने मकान की तरह ढहने लगे। इसलिए अनेकों साधक कुछ पल के लिए ध्यान करते हैं और फिर वापस भौतिकता में खो जाते हैं। शुरू शुरू में आते हैं, बड़ा जोश होता है, अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में भटक जाते हैं। क्योंकि रेत पे घर बनाया, और रेत का घर ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसलिए पहले परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और तभी इस आनंद की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ा जा सकता है। अनंत की यात्रा का कोई अंत भी नहीं है, अंत है भी तो उसको छूकर भी आपको ये पता नहीं चलता कि आप अनंत में पहुंच गए हैं, अंत में पहुंच गए हैं। क्योंकि उस अंत का कोई बताने वाला नहीं है। जिसने उस अनंत के अंत को जाना, वह उस अनंत में खो गया। ऐसा खोया कि फिर वह कुछ कहता ही नहीं है, अपने ही आनंद में, अपनी ही मस्ती में। उसकी अनुभूति करते हुए जीता चला जाता है। इस आनंद जीवन का अनंत आनंद लेते चला जाता है। क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं बचते तो उसकी व्याख्या कर पाए। उसको तो वो केवल स्वयं ही अनुभव कर सकता है, स्वयं ही जान सकता है। और इस यात्रा को करते करते जब अंत में पहुंचेंगे तो निश्चित है कि आपके पास भी कोई शब्द नहीं होगा, अनुभव भी होंगे, एहसास भी होगा,
नहीं होंगे, कोई व्याख्या नहीं होगी, उस अनंत आनंद की, उस अनंत शांति की। उस गहरे सुनने की कोई व्याख्या नहीं होगी। उस सत्य का अनुभव उस शून्यता में सारे ब्रह्मांड का अनुभव, संपूर्ण प्रकृति का अनुभव, उस अनंत सत्ता का अनुभव, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का एहसास, आनंदमय जीवन, पूर्णता से भरा हुआ जीवन, उस आनंद का एहसास, उस आनंद की अनुभूति, उस परमात्मा का एहसास, इस शून्य में जहां सब कुछ शून्य है, वहीं सब कुछ साक्षात हुई है। जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं सब कुछ मिल भी जाता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, आपके चारों तरफ बह रहा है। आप उसके केंद्र पर आप बैठे हैं। सही खत्म हो चुके हैं। मिट चुके हैं। विचार भी मिट चुके हैं। कोई विचार नहीं है। गहरी शून्यता, इस संपूर्ण सृष्टि में इस शून्यता में इस अनंत में
खोते चले जाना है। इस आनंद का गहरा अनुभव अद्भुत अनुभव सारी सृष्टि समाहित होती जा रही है। इस अनंत आकाश में, इस अनंत शून्य में, इस अनंत का दर्शन, अनंत का अनुभव खोते चले जाएं। इस अनंत के साथ, इस अनंत की आत्मा में अनंत गहराई में खोते चले जाए, खोते चले जाए।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।